नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सभी लोगों को खुश रखे और सलामत रखे। अभी कुछ चंद देर कबल दारुल उलूम देवबंद से बड़ा ऐलान सामने आया है। ऐलान क्या है? नंबर एक, तलबा अज़ीज़ को मुत्तला किया जाता है कि दारुल उलूम देवबंद में ज़ेर तालीम रहते हुए दिगर किसी तालीम इंग्लिश वगैरह की इजाज़त नहीं होगी। अगर कोई तालिब इल्म इस अमल में मुबतला पाया गया मोतबर ज़राए से उसके इस अमल की निशानदेही हो गई तो उसका अखराज कर दिया जाएगा। जैसा कि इस्लाही इजलास में मखदूम मुअक्किर हज़रत सदरुल मुदर्रिसीन साहब ने सराहतन इसका ऐलान कर दिया है। नंबर दो, तालीमी अवकात में सबक छोड़कर कमरों में हरगिज़ क़याम ना करें। रकमुल हरूफ और हजरत असातिज़ाए दारुल उलूम किसी वक्त भी किसी कमरे का मुआयना कर सकते हैं। अगर कोई तालिबे इल्म इस जुर्म का मुर्तकिब पाया गया तो सख्त सज़ा का मुस्तहिक होगा। नीज़ अगर कोई तालिबे इल्म दरसगाह में हाजिरी बोलकर सबक ख़त्म होने से पहले दरसगाह से चला गया या घंटे के आखिर में हाजिरी दर्ज कराने की गर्ज से दरसगाह में दाखिल होता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। ये दारुल उलूम देवबंद से चंद देर पहले ही ऐलान आया है और इस ऐलान को लेकर के आप लोगों की क्या राय है, आप क्या राय रखते हैं इसके अंदर कमेंट ज़रूर लिख दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं आज की वीडियो से रुख्सती चाहता हूं। मैं हूं आप सबका मेज़बान मोहम्मद इमलाक। आप लोगों की क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर लिखीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखें।